खबर रीवा से है, जहां संजय गांधी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर भूपेंद्र राज की सोमवार को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर कॉलोनी स्थित सरकारी आवास के बाथरूम में उनकी लाश पाई गई है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अस्पताल में पदस्थ एक वरिष्ठ डॉक्टर की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी लाश उनके कॉलोनी स्थित सरकारी आवास के बाथरूम में पाई गई। मृतक डॉक्टर भूपेंद्र राज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। पुलिस की माने तो सोमवार को उनका दूध वाला जब दूध देने घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, और जब वो अंदर दरवाजा खोलकर गया तो उनकी लाश बाथरूम में पड़ी थी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और FSL की टीम ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर राज की मौत का कारण क्या है या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से उनकी लाश बाथरूम में पाई गई है लोगों के बीच अनेकों तरह की चर्चा शुरू हो गई है। लगभग 60 वर्षीय डॉक्टर राज लंबे समय से श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हालांकि उनकी मौत के बारे में जांच के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा। तो मैं तो हॉस्पिटल में था, तो मम्मी को फोन किया और मम्मी मदर रहती हैं, तो वो फिर मुझे फोन करी, तो फिर मैं आया। हाँ, ये डॉक्टर कॉलोनी में एक कैंपस के अंदर ही हमारे डीन साहब का फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया था कि इस तरह से डॉक्टर साथी उनके जो बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, उस बात पर से थाना प्रभारी अमैया को निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी अमैया अपने पूरे बल के साथ वहाँ पहुँचे। FSL के अधिकारियों को भी बताया गया, वो भी कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने जाँच कर ली मौके पर और शव को मर्चुरी में अभी रखवा दिया गया है। PM की कार्रवाई और आगे की कार्रवाई, जाँच कार्रवाई सब प्रचलन में है। अभी मौत के संबंध में स्पष्ट तथ्य नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया से पता लग रहा है कि कोई दूध वाला जब गया, जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर दूध वाला ने दरवाज़ा खोला तो वो बाथरूम में पड़े हुए थे।